नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करके आप नया फ़ोन कैसे Flipkart ऐप से ले सकते हैं। जी हां दोस्तों, आप अपने फ़ोन को एक्सचेंज करके एक नया फ़ोन ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर दीजिए। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब के आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अपने फ़ोन को एक्सचेंज करने के लिए ओपन करते हैं Flipkart ऐप्स को। दोस्तों अगर आप Flipkart ऐप्स में अकाउंट नहीं क्रिएट किए हैं तो सबसे पहले अपने Flipkart ऐप्स में अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि कैसे Flipkart में अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। अब दोस्तों आप जिस मोबाइल को परचेज करना चाहते हैं उस मोबाइल का नेम यहाँ पे आपको सर्च बॉक्स में इंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं उस मोबाइल का नेम को इंटर कर रहा हूँ। मैं रेडमी का K20 लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर इस मोबाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये Redmi का K20 है और इसका प्राइस 24,999 रुपया है। तो इसे हम अपने फ़ोन से एक्सचेंज करना चाहते हैं, मतलब कि अपने पुराने फ़ोन से एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक्सचेंज योर ओल्ड फोन। दोस्तों एक्सचेंज का सुविधा सभी मोबाइल पे नहीं रहता है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि कुछ मोबाइल में ये सुविधा हो और कुछ मोबाइल में ये सुविधा न भी हो। तो यहाँ पे अपने फोन को एक्सचेंज करने के लिए क्लिक करते हैं एक्सचेंज योर ओल्ड फोन पे। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपने ओल्ड फोन की ब्रांड को सिलेक्ट कीजिएगा। तो मेरा फोन EMI का है, Xiaomi का है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे Xiaomi पे और इसके बाद यहाँ पे आपको मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होता है। तो मेरा फ़ोन Redmi 8 है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो इतना कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सचेंज का वैल्यू दिख जाता है कि हमारे फ़ोन की कितना वैल्यूएशन लगने वाली है, मतलब कि हमारे फ़ोन को कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि दिखला रहा है 3250 रुपया और यहाँ पे 500 रुपया बम्प डिस्काउंट है और यहाँ पे 100 रुपये पिकअप चार्ज होता है। ये मतलब कि हमारे फ़ोन जो कुरियर पार्टनर ले जाता है तो उसका यह 100 रुपये लगता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट करके यहाँ पे हमें 21,349 रुपये पे करना होगा इस मोबाइल के लिए, क्योंकि इस मोबाइल का फाइनल प्राइस है 24,999 रुपया। इतना कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपने फ़ोन का EMI नंबर डालना होता है। अपने फ़ोन का EMI नंबर जानने के लिए आपको अपने फ़ोन में *06# डायल करना होगा। तो यहाँ पे मैं डायल करता हूँ अपने फ़ोन में *06#। तो ये मेरा फ़ोन का EMI नंबर है और ये EMI नंबर Flipkart ऐप्स में एंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने फ़ोन का EMI नंबर ऐड कर दिए हैं, तो अब आपको क्लिक करना होगा वेरीफाई पे। तो दोस्तों यहाँ पे EMI नंबर ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे फाइनल प्राइस आपके मोबाइल का दिख जाता है, मतलब कि 1600 रुपये से 3750 रुपये के बीच में आपका वैल्यूएशन लगने वाला है आपके फ़ोन का। अगर आपका फ़ोन ठीक ठाक कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको 3750 रुपये उस फ़ोन में डिस्काउंट हो जाएगा। और इसे परचेज करने के लिए आपको क्लिक करना होगा ऐड टू कार्ड और यहां से आपको क्लिक कर देना होगा कंटिन्यू। तो ये फ़ोन अब आपका कार्ड में ऐड हो जाता है और इसे परचेज करने के लिए आपको क्लिक करना होगा प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका एड्रेस दिखता है, अगर आपका ये एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज और ऐड एड्रेस पर क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हैं और अपने न्यू एड्रेस को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा कंटिन्यू। दोस्तों यहाँ पे अब आपको पेमेंट करना होता है, आप चाहें तो UPI, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग को आप यूज कर सकते हैं, चाहें तो आप EMI पे भी ये फ़ोन को आप परचेज कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी आप नहीं कर सकते हैं, आपको कैश ऑन डिलीवरी करने के लिए एडवांस 500 रुपये आपको पे करना होगा। तो यहाँ से अब आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका जब नया फ़ोन आता है उसी टाइम आपका ओल्ड फ़ोन मांगा जाता है। अगर वो फ़ोन ठीक ठाक रहता है, उसमें कोई ख़राबी नहीं रहती है, तो आपकी पुरानी फ़ोन ले ली जाती और उसके बदले उतने अमाउंट डिस्काउंट कर दी जाती है। अगर आपकी फ़ोन ख़राब है और कुरियर पार्टनर वाले आपके फ़ोन लेने से मना कर रहा है तो आप चाहें तो उस फ़ोन के मूल्य के बराबर अमाउंट पेड करके वो मोबाइल आप ले सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो कि Flipkart में अपने फ़ोन को एक्सचेंज कैसे करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।